हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मु आपनों को पाई नहीं आसी छी मार्गशीर मास माणवसा प्रथम पाली और द्वितीय पाली गुरुवार पाई माँ लक्ष्मी प्रिय भोग धला खीरी बा मुग जाऊ। यह किछि लोक धला खीरी कहंती आ किछि लोक मुग जाऊ भी कहंती। आम ओडिसा रो मा माने प्रथम पाली और द्वितीय पाली रे एई धला खीरी भोग लगांती। ए खीरी प्रस्तुत हो सारा पर अल्प टिके गुड़ दे माँ लक्ष्मी को भोग करा जाए। ताहले आसंतु देखिबा ए खीरी रो प्रिपरेशन। प्रथमे गोटे कप अरुआ चावल बा खीरी चावल मार्केट रे मिलुथिबा खीरी चावल नेबे गोटे कप। सेथिरे दुई चामच मुग डाली देबे। गोटे कप खीरी चावल रे दुई चामच मुग डाली दे ताकु भल्ला हेबे धोई परिष्कार कर देबे। तापरे आउ टिके पानी दे ताकु 5 मिनिट खंडे बतुरिया पई छाड़ देबे। 5 मिनिट खंडे बतुरी गले चावलटी भल हाबे सिजि जिवो। सेथिबे 5-7 मिनिट खंडे बतुरे देबे। तापरे गुटिए पात्र रे बतुरी थिबा चावल मुग डाली कु दे देबा आ सेतरे 1.5 ग्लास रु 2 ग्लास खंडे पानी दे ताकु रोसी करबा। मु प्राय 2 ग्लास खंडे पानी देली। ढांकुनी बंद करी हाई फ्लेम रे 5 मिनिट खंडे फुटिबा पई छाड़ देबे। देखो बर्तन हमरो भात फुटी आसलानी। तापरे फ्लेम को मीडियम कर देबा आ ढांकुनी को अल्प टिके खोली कि एपर रखिबा। नहले से उतरी चुली रे पसी जीवो। सेतबे आमको अल्प टिके घोड़े रखी मध्यम आंच रे 10 रु 15 मिनट पर्यंत आमको कुक करिया को पड़िबो। भात टी पूरा नरम हेला पर्यंत आमको रांधिबा को पड़िबो। मझि मझि रे आमको टिके चेक करिया को पड़िबो। देखंतु मु टिके देखि देली भात बर्तन अल्प टिके नरम हेची। भात पूरा सॉफ्ट हेला पर्यंत पूरा सॉफ्ट हेबा को देबे। मझि मझि रे आमको एपरी टिके चेक करबा को पड़िबो। तापरे आमको स्वाद अनुसार लुण दे देबा। भात टिके नरम हेगले आमे लुण दे देबा। तापरे भल हाबे मिक्स कर देबा। मझि मझि रे आमको टिके घाटिबा को पड़िबो नहले तळे लागि जिवो। आपण चाहिले प्रेशर कुकर भी दुईटी किबा तीनोटी सिटी भात को नरम करि परिबे। किंतु डेक्ची रे खीरी बनाइले खीर रो टेस्ट आउरी भल आसे। मु पूर्णी गोटे ग्लास पानी दे देली काहेकि ना आमर पानी सुखी गलानी। मु गोटे ग्लास पानी दे फ्लेम को हाई कर देली। से सांगे सांगे फुटी जीवो। आपण चाहिले गरम पानी भी दे पारिबे। पूर्णी ढांकुनी को टिके कवर करी अल्प टिके कवर करी पूरा भात नरम हेबा को देबा। भात फुटी आसले फ्लेम को पुणी मीडियम कर देबे। देखंतु आमर पूरा भात बर्तमान पूरा सॉफ्ट हो आसलानी। भला हाबे मिक्स कर दी आमे पुणी चेक कर देबा। भात पूरा नरम हो गलानी। एमती पूरा पूरा सॉफ्ट हो गले जे कोनोसी डंकी किंबा डाली घटना रे एपरी चकटी देबे। भात जेपरी भल भाव मिले सेपरी भाव पूरा चकटी देबे। एपरी मैश करदेबे। ए खीरी रे घीओ किंबा चीनी पड़े ना से किसी लोक या अलणा खीरी भी कहती। केवल माँ को भोग लगवा टाइम अल्प टिके गुड़ दे भोग लगा जाए। देखते एपरी डंकी भी आप चकटी पारे। भातटी भल भाव पूरा चकटी हो जा दरकार। पूरा चकटी हो सारा पर बर्तमान आम क्षीर दे देबा। मु क्षीर 1.5 ग्लास खंडे नहीं मु पूर्वर क्षीर को फुटे आपण गरम थी अवस्था देपरेंगे किंवा थंडा क्षीर भी देपरेंगे। थंडा क्षीर जदि देवे ताहले फ्लेम को हाई करदे सी सांगे सांगे फुटी जीवो। मु नॉर्मल खीर देली। मु पूर्वर खीर गरम कर रखी थी। मु 1.5 ग्लास खीर देली। तापरे खीर दे भल भाव मिसे देबे। वर्तमान आमर खीरी फुटी आसलानी। आमे वर्तमान ढांकुनी देबा नाही। ढांकुनी कवर कले उतरी जीवो खीरी उतरी जीवो। सेतबे आमे ढांकुनी वर्तमान आ बंद करबा नाही। एपरी खोला भाव आमको फुटेबा को पड़िबो। जेहेतु आमे खीर दे सारलेनी देखंतु आमर खीरी फुटी गलानी।
बर्तमान आम फ्लेम को मीडियम करदे ना तले लग खीरी टी फुटी आसे गोटे कप नड़िया कोरा दे देबे मु पूर्व नड़िया गोटे कप कोरी रखी थी ताकु दे देली नड़िया कोरा देला परे भल भाव मिक्स कर आउ पांच मिनट खंडे आम फुटाई देबा भोग कर सारापर आप चीनी कि गुड़ दे या खाईपर यह खीरी रे नड़िया आ खीरर फ्लेवर बहुत बढ़िया आसे बिना चीनी आ बिना घी रे ए खीरी खाइबा को भारी स्वादिष्ट लगे आउ माँ लक्ष्मी को यह माणवसा गुरुवार रे अर्पण करा जाए। वर्तमान आमर खीरी हो आसला आम गैस को अफ करदे आउ टे कभर करदे पांच मिनट खंडे रखिदे टिके पांच मिनट पर थंडा हला परे आम भोग लगवा पीतल गिना किंबा माटी गिना रे माँ लक्ष्मी को यह अर्पण करा जाए। वर्तमान आमर प्रस्तुत हो गला धला खीरी बा मुग जाओ। वीडियो टी भल लगले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करने को भूलिबे नहीं। थैंक यू।